हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीतास किचन। तो इस वीडियो में आज मैं बनाने वाली हूँ वेज फ्रेंकी। तो शुरू करते हैं। इसके लिए ली है मैंने कढ़ाई और उसमें ऐड किया है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। और ऑयल गर्म होने के बाद उसमें ऐड करना है 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून राई और 1/2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड। उसके बाद इसमें ऐड करने हैं कटे हुए प्याज और कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से मिला देना है और गोल्डन ब्राउन होने तक रखना है। अभी ब्राउन हो चुके हैं, इसमें ऐड करना है बॉइल्ड मैश पोटैटोस। इसके बाद इसमें ऐड करना है लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक और इसको अच्छे से मिला देना है। सो ये मिल चुका है, अच्छे से पक भी चुका है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। इसके बाद इसको इस शेप में बना लेना है। इसके बाद मैंने लिया है आटा और उसमें ऐड किया है नमक और इसको पानी की मदद से गूंद लेना है। इसके बाद इसको 15 से 20 मिनट रखना है और इसके बाद इसको हाथों से एक बार सही कर लेना है। इसके बाद आटे की लोई बनानी है और इसके बाद इसके ऊपर आटा छिड़क के इसकी रोटी बना लेनी है। रोटी बन चुकी है, इसके बाद तवा गरम करना है और इस रोटी को हल्की हल्की दोनों तरफ से सेक लेना है, इसको पूरी नहीं सेकना है। इसके बाद आपको लेना है तवा या फिर फ्राई पैन और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या फिर घी ऐड करना है और इसके बाद जो टिकिया बनाई थी आलू की वो उसके ऊपर ऐड कर लेनी है और उसको दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेना है। तो अब टिक्किया भी बन चुकी है। इसके बाद लेना है तवा और उस रोटी को ऑयल या फिर घी लगा के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। सो अभी दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक चुकी है। इसके बाद इसके ऊपर ऐड करना है टमाटो केचप और इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मैं आलू टिक्की। आलू टिक्की के बाद इसमें ऐड करना है कटा हुआ टमाटर और कटा हुआ प्याज। सो सब ऐड हो चुका है, अब इसको फॉइल कर लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।